हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आर्टोनिक। आज हम लोग बनाने वाले हैं क्ले प्लेट पे क्ले आर्ट। जिनका भी मिस हो गया है वो प्लीज़ पहले वाली वीडियो देखेंगे, होममेड क्ले मेकिंग, एंड उसके अकॉर्डिंग बना लेंगे क्ले प्लेट। एंड ये डिज़ाइन बनाने के लिए, क्ले आर्ट बनाने के लिए, पहले आप जो भी सिलेक्टेड डिज़ाइन है उसको मैंने डायरेक्ट नहीं बनाया, पहले मैंने ब्लू कार्बन से ट्रेसिंग कर लिया उसको। A4 शीट पे मैंने ड्राइंग बनाया था। एंड क्ले के लिए हम मोल्डिट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, फेविकोल लगा के कर रही हूँ क्योंकि ये क्ले प्लेट बिल्कुल ड्राई है। जैसे भी हमारा डिज़ाइन है, जैसे हमने ड्रॉ किया है उसके अकॉर्डिंग हम मोल्डिट लगाते चले जाएंगे। ये मैंने आपको दिखाया है कि ऊपर का जो डिज़ाइन है वो नीचे साइड से थिन होना चाहिए। जिस साइड से हमने क्वाइल बनाया है उस साइड से थिन होना चाहिए। दो क्वाइल शेप स्ट्रक्चर है, टूल के हेल्प से आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। टूल कुछ भी हो सकता है, बड़ी वाली नीडल भी आप टूल के रूप में यूज़ कर सकते हैं। फेस के लिए मैंने ओवल किया है इसको, एंड फिर फिंगर से जो मेरा फेस का ड्राइंग है उसको फॉलो करते हुए मैंने स्टिक कर दिया। अब ये फेस के ऊपर का एक स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू पिक्चर, ये इसको भी मैंने थोड़ा शार्पन किया है टूल के हेल्प से। इसी तरह हम नेक भी बनाएंगे, यू शेप दिया है चिन के साइड पे मैंने नेक वाले क्ले को, नीचे ज़्यादा था मैंने उसको कट किया। अब मैं बॉडी का पार्ट क्ले से स्टिक करने वाली हूँ। चलो पहले स्पाइरल वाला ही स्टिक कर दिया मैंने। ये 3 स्ट्रक्चर है उसको मैं कंप्लीट कर लूँगी। मोल्डिट से काम करते समय थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मोल्डिट पूरा कभी भी मिक्स ना करें, हमेशा 25% ही मिक्स करें और बार बार मिक्स करें, इससे आपका मोल्डिट वेस्ट नहीं होगा। आपने देखा कि मैंने कैसे हैंड में ही अपर पार्ट को स्पाइरल शेप दिया एंड देन स्टिक किया, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैंने कट कर दिया। अब मैं जा रही हूँ बॉडी पार्ट बनाने। इसके लिए मैंने फिर से क्ले मिक्स किया क्योंकि पहले का क्ले ख़त्म हो चुका था। तो आप देख रहे हैं कि मैं कैसे स्टेप बाई स्टेप मेरे को क्ले मिक्स करनी पड़ रही है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि क्ले मेरा वेस्ट हो जाए। मैंने टेलकम पाउडर से थोड़ा शेप दिया है, रफ रहता है टेलकम पाउडर से टच करके फिंगर पे शेप देने से रफनेस दूर हो जाती है। मैंने पार्ट वाइज में बॉडी पार्ट को स्टिक किया है, पार्ट पार्ट क्ले लेकर के। अगर आपको लगता है कि आप एक बार में ही क्ले स्टिक कर सकते हो देन प्लीज़ करिए, उसमें ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। एंड ये मैंने एक पतली सी रोप बनाई है क्ले की, जो कि नेकलाइन की डिज़ाइन बनाने के लिए है। यहाँ पे भी मैंने ग्लू लगाया है एंड टूल के हेल्प से मैंने कट किया है, एंड फिर से एक्स्ट्रा पार्ट सेम रोप है जो कि राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों साइड के नेकलाइन है। ये ड्रेस की नेकलाइन है जो कि हमें ये रोप लगानी है, क्ले की रोप है ये। एंड अब इस ड्रेस को और इन्हेंस करने के लिए हम कुछ और बनाएंगे। अच्छा, इससे पहले मैं पहले नोज़ लगा लेती हूँ। नोज़ लगाने के लिए मैंने आपको दिखाया है कि वो क्या स्ट्रक्चर है, नीचे से मोटा है, जो नाक का जो नीचे का पार्ट है वो मोटा रहेगा, थिक रहेगा, एंड आईब्रो थिन था। uh,
मैंने बॉडी पार्ट में जो डिज़ाइन बनाई है, आप किसी भी पेन के बैक साइड से वो डिज़ाइन बना सकते हैं। ये मैंने एक छोटा सा क्ले का पार्ट लिया, उसमें पेंसिल से होल कर दिया, बस एकदम थोड़ा सा प्रेस कर देना जो कि बटन बन जाएगा इस ड्रेस का। और बस आप ये अगर आपका मोल्डेड जिस पे काम कर रहे हो वेट है और जो आपको डालना है मोल्डेड उस पे स्टिक करना है, तो बिना फेविकोल से भी आप कर सकते हो। सारे मेरे स्टिकिंग का काम हो चुका है, तो अब मैंने इसको पूरा ब्लैक कर दिया। आप चाहो तो सिर्फ बेस एरिया ब्लैक करिए और जो स्ट्रक्चर है लेडी का उसको आप डायरेक्ट भी कलर कर सकते हैं। बट हम लोग जो पिक्चर फॉलो कर रहे हैं उसका जो डल इफेक्ट है वो लाने के लिए हमें पूरा ब्लैक देना ही पड़ेगा। और ब्लैक देने से ये होता है कि आपको 3-4 कोट्स देने पड़ते हैं कलर्स के, क्योंकि ब्लैक डोमिनेट करता है। इसीलिए ब्लैक देने के बाद आप इसे कम से कम 3 to 4 आवर छोड़ दीजिए ड्राई होने के लिए। और जल्दी काम करना है देन आपको यूज़ करना पड़ेगा हेयर ड्रायर टू मेक इट फुल्ली ड्राई। मैंने फटाफट कर दिया है, सबको ब्लैक कर लिया। पीछे के पार्ट को मैं सारे काम को फिनिश करने के बाद मैं ब्लैक कर लूँगी, उसमें दिखाने जैसा कुछ नहीं है इसीलिए मैं अभी नहीं कर रही हूँ। मैंने ब्लैक लिया, वाइट लिया एंड ब्लू लिया, ये कोबाल्ट ब्लू है। और मैंने वाइट में ब्लैक मिक्स कर लिया है। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे ग्रे शेड चाहिए, एंड स्लेटी ग्रे एंड स्लेटी में डिफरेंस होता है। स्लेटी में थोड़ा ब्लू मिक्स होता है और ग्रे में वाइट में थोड़ा ब्लैक मिक्स होता है। आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस ऑफ ग्रे कलर। तो मैंने थोड़ा ब्लू मिलाया और मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा ब्लू मिल गया है, तो ये ड्राई होने के बाद मैं देखूँगी कि क्या इफ़ेक्ट आता है। अगर मुझे लगेगा ये थोड़ा डार्क हो गया है और अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं फिर से लाइट शेड एक बना करके इसके ऊपर एक कोटिंग कर दूँगी। यहाँ पे आपको फुल्ली कवर नहीं करना है, थोड़ा ड्राई ब्रश इफेक्ट जैसा देना है कि नीचे जो ब्लैक है ना वो दिखे कहीं कहीं से, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने अपने वर्क को हेयर ड्रायर से ड्राई किया है और अभी मैंने ब्लू वाइट में थोड़ा सा रेड मिलाया ताकि मैं ये फेस के कलर में को थोड़ा कॉम्प्लीमेंट कर सकूं। एंड फेस के कलर में एंड बैकग्राउंड के कलर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो कलर तो एग्जैक्ट मैचिंग नहीं बना पाई, लेकिन मैंने इसलिए ये कोटिंग करी है कि जब मैं सेकेंड कोट करूँगी लाइट कलर से तो वो जल्दी कवर अप करेगा, ब्लैक के डोमिनेशन को थोड़ा सा कवर अप कर लेगा। इसीलिए मैंने ये कोट डाल दिया और ये बता रही हूँ इसीलिए क्यों, ताकि आप भी इस चीज़ को फॉलो करें और कुछ ऐसा होता है तो घबराए नहीं, परेशान नहीं हो, हम उसे कवर अप कर लेंगे। और फर्स्ट ब्लैक का कोटिंग देना है एंड फिर कलर्स का कोटिंग देना, इसमें थोड़ी मेहनत लगती है और तुरंत तुरंत कोटिंग नहीं देना है। 1 आवर का डिफरेंस में कोटिंग देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो कम से कम 20 to 25 मिनट उसको छोड़ देना है। मुझे लगातार करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे क्लास ख़त्म करनी थी इसीलिए, तो मुझे आप लोगों से ज़्यादा कोटिंग देनी पड़ेगी इधर पे। आप ड्राई होने का टाइम दोगे तो आपको इतनी कोटिंग नहीं करनी पड़ेगी। अपर एरिया को मैंने गोल्डन पर्ल मेटालिक गोल्डन से दिया है कलर कर दिया, और ये भी मुझे 2 to 3 कोट देने पड़े। और मैं ब्रश यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, 1 नंबर की ब्रश है। आपको जो ब्रश में आप कंफर्टेबल हैं वो ब्रश यूज़ करेंगे आप यहाँ पे। और
मैं चूंकि इसमें दो प्रोजेक्ट पे एक साथ काम कर रही हूँ, इसीलिए मैं अब इसको ड्राई होने रख दूँगी और अब मैं दूसरा प्रोजेक्ट पे काम करूँगी। मैंने दो तरीके से क्ले वर्क, क्ले प्लेट पे कैसे करेंगे ये दिखाया। एक तो मैंने ड्राइंग कर लिया और उस पर क्ले स्टिक किया। अब जो मैं दूसरा वर्क करने जा रही हूँ उसको मैं क्या करूँगी वो मैं अब दिखाने वाली हूँ। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये हेयर है। हेयर को भी मैं बाद में करूँगी, पहले मैं एक और प्रोजेक्ट देख लेती हूँ, कर लेती हूँ, उसके बाद में। ये हाफ़ डन हो चुका है, हाफ नहीं 75% डन हो चुका है। अब मैं दूसरा प्रोजेक्ट लेकर के उसको फॉलो करूँगी और उसको मैं बताऊँगी। एक्चुअली आई एम नॉट हैप्पी विद दैट रेड कलर, सो मैं कोरल रेड यूज़ करके देख रही हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ कि क्या वो रेड आ रहा है जो मुझे चाहिए। तो यस, वो रेड ही है, वो मुझे यही रेड चाहिए था, क्योंकि क्रेमसन रेड जो है मैं ब्लैक के डोमिनेशन के कारण चेंज हो जा रहा है। अगर आप ड्राई होने का प्रॉपर टाइम देंगे तो आपको ये चीज़ नहीं फेस करना पड़ेगा जो मैंने किया है। अकॉर्डिंग टू योर विश आप ड्रेस के कलर चेंज कर सकते हैं। ग्रे पे रेड ज़्यादा सुंदर लगता है, इसीलिए रेड अकॉर्डिंग टू पिक्चर ही मैं जाना पसंद किया मैंने। ये देखिए, ये दूसरा तरीका ये है। दूसरे क्ले प्लेट पे मैंने वो ड्राइंग बना के रखी है और ये सारे जो क्ले के पीसेज हैं मैंने उस ड्राइंग को फॉलो करते हुए उस ड्राइंग के ऊपर बनाए और फिर मैंने उसको 7 to 8 hours के बाद हटा लिया। अब सारे पीसेज को मैं असेंबल कर रही हूँ। जो नेक एरिया है जहाँ पे ज्वेलरी है उस पार्ट को छोड़ते हुए मैं सारे पीसेस को, फेस, नेक, सब को असेंबल कर रही हूँ। फेस और नेक एवरीथिंग वैसे ही बनेगा जैसे आपने पहले किया है। जैसे जैसे हमारा क्ले का डिज़ाइन है मैं वैसे वैसे कर रही हूँ। हालांकि यहाँ पे एडजस्टमेंट में एक कॉइल है, मैंने 3 coils बनाए थे, एक कॉइल जो है वो एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं, वहाँ पे उतना प्लेस नहीं है, तो मैं उसको सेकंड साइड मैंने रख देने का सोचा है। जितने भी राउंड स्ट्रक्चर हैं मैं उन सबको स्टिक कर रही हूँ। ये हेयर एरिया है, हेयर के लिए भी मैंने, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक छोटा सा राउंड लेंगे एंड उसको पेंसिल से प्रेस कर देंगे होल टाइप का, तो वो बन जाएगा छोटा छोटा राउंड राउंड सर्कल, तो हम उसको हेयर की जगह पे डाल देंगे। एंड नेक लाइन का जो ज्वेलरी जैसा एरिया है उसके लिए मैंने थिन रोप बनाए हैं मोल्डेड के। अब मैंने उसको 7 to 8 times और वाट एवर प्लेस वहाँ पर बचता है और जितने भी आएंगे उसमें रोप वैसा आपको स्टिक कर देना है। ये मैंने मोल्डेड के स्मॉल राउंड लिए, टूल के हेल्प से मैंने उसमें होल कर दिया। अब इसी टूल से मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर दूंगी उसे। सभी पे मैंने स्ट्रक्चर दे दिया और अब मैंने उसे स्टिक कर दिया। और ये जो है ये ड्रेस की डिज़ाइन है, इसमें मैंने मोल्डेड को राउंड राउंड किया और बस जैसे बटन बनाए थे पिछले वाले आर्टिकल के बस वैसे ही कर दिया मैंने। अब मैं इसको पूरा ब्लैक कर दे रही हूँ, ये थोड़ा नीचे। यस, नाउ एंगल इज़ गुड। देन अब सेम मैंने वही प्रोसीजर फॉलो किया है, फर्स्ट आपको फुल्ली ब्लैक कर देना है सारे एरियाज, अच्छे से ब्लैक से कवर कर लीजिए। आप चाहो तो ब्लैक का डोमिनेशन कम करने के लिए जो मोल्डेड एरिया है वहाँ पे आप थोड़ा वाटरी ब्लैक कर सकते हैं। मैंने फुल ब्लैक दे दिया है, आप वाटरी ब्लैक कर दीजिए। ब्लैक में ज़्यादा वाटर होना चाहिए तो उससे सही। मैं सीधे डायरेक्ट मैं ऑरेंज यूज़ कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे ट्यूब कलर यूज़ किया है। इससे भी मुझे कम से कम 2 to 3 coats
देने होंगे। मैं आई एम फीलिंग दैट ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे करने में, क्योंकि इसके कलर कॉम्बिनेशन ज़्यादा सही लग रहे हैं मुझे, इसीलिए मुझे अच्छा भी लग रहा है। ये स्काई ब्लू है, मैंने कुछ मिक्स नहीं किया स्काई ब्लू बनाने के लिए, मेरे पास स्काई ब्लू था। अगर आपके पास नहीं है देन ब्लू में वाइट मिलाएंगे, वेरी सिंपल, एंड स्काई ब्लू बन जाएगा। एक्चुअली ये ड्रेस पार्ट ब्लू है, बट मैंने जानबूझ करके वहाँ पे स्काई ब्लू लगाया है, ताकि जब मैं ब्लू लगाऊँ तो मुझे बस दो कोट ही करना पड़े, एक स्काई ब्लू एंड दूसरा कोट ब्लू, थर्ड कोट मुझे ना करना पड़े, इसके लिए मैंने ऐसे किया है। एंड ये मैंने क्या किया है, रस्ट कलर का इफेक्ट देने के लिए पहले मैंने ऑरेंज डाला थोड़ा सा, आई वॉज नॉट मच सर्टिफाइड। देन मैंने क्या किया कि ऑरेंज में मैंने थोड़ी सी रेड मिक्स कर दी है, रेडिश ऑरेंज करी है उसको, तक वो ब्लैक के साथ मिक्स हो करके बहुत सही रस्ट कलर आ रहा है उससे। आप चाहो तो ये कर सकते हो, नहीं तो आप बैकग्राउंड ऑकर येल्लो और रेड एंड वट एवर यू वांट आप दे सकते हो। एंड अपर जो हेयर के पास जो एक स्ट्रक्चर है उसको मैंने वहाँ पे मैंने लेमन येल्लो यूज़ किया है, मैं उसकी भी सेकंड कोट मैंने दे दी। और उस वाले में मैंने गोल्डन ज्वेलरी, गोल्डन आइज, गोल्डन लिप्स, गोल्डन सब सारा कुछ गोल्डन था, और इसमें जस्ट अपोजिट है, इसमें हर एक चीज़ हेयर एंड ज्वेलरी एंड स्ट्रक्चर सारे चीज़ इसमें सिल्वर है, पर्ल मेटेलिक सिल्वर कलर मैं यूज़ कर रही हूँ। डस्ट यूज़ कर सकते हैं बट आज वो आजू बाजू कलर को ख़राब कर सकता है, इसीलिए मैंने पर्ल मेटेलिक यूज़ किया। ये मैंने सेकंड कोट भी दे डाला है। मेरा ड्राइंग पीरियड बहुत कम है, आप प्लीज़ इसका ख्याल रखेंगे, ड्राई होने का समय देंगे अच्छे से। और मैंने इस ड्रेस को डेकोरेट किया है, मैंने हल्का सा ब्रश को टच किया है गोल्डन में एंड देन थोड़े डॉट्स दे दिए हैं। इसमें मैंने थोड़े से ज़्यादा स्ट्रक्चर ऐड किए हैं, आप देख पा रहे होंगे कि जो राउंड स्पाइरल स्टिक है उसके बगल में मैंने सर्कल स्ट्रक्चर डाल दिया और उसको मैंने गोल्डन से कर दिया है। अब इसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं आउटलाइन भी रेड से कर दे रही हूँ, ये पूरी मेरी मर्जी है, आप भी चाहो तो अपना थोड़े चेंजेस कर सकते हैं आप। और अब हमारा वीडियो ख़त्म होता है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।